खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं 9 मई को तोड़फोड़ के वाकयात का मामला, अदालत का दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं महार इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे 9 मई में मुल्तान में होने वाले तोड़फोड़ वाकयात हंगामा राई और इसमें मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का अंदराज किया गया, जिसमें थाना कैंट में 3 जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए तोड़फोड़ के हवाले से, जिसमें दहशतगर्दी की दफात जो है वो नाफिज कर दी गई थी, लगा दी गई थी, जिसमें 869 और 870 इन दो दफात में तकरीबन 200 के लगभग जो लोग हैं वो शनाख्त परेड पर इस वक्त जेलों में हैं, जबकि मजमूई तौर पर 800 से ज्यादा जो नामजद नामालूम मुलजमान के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर जो दहशतगर्दी अदालत ने ATC जो उसको खत्म कर दी, ATC की दफात, और उनको इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में इस केस को भिजवा दिया, जिसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूटर ATC अरशद लगारी ने जो है बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त एक अपील बनाकर जो है वो हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए इंसाद दहशतगर्दी पंजाब की जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जो है वो भेजी और वहां से इजाजत तलब की है। जैसे ही वहां से इजाजत आएगी हाई कोर्ट में बकायदा तौर पर यह अपील दायर की जाएगी और उस अपील में यह मौकफ तैयार किया गया है कि जो इंसाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सरकारी अमलाक को तोड़फोड़ करने समेत जो दीगर संगीन नोयत के जो इल्जाम थे मुलजमान पर और उसको उसमें जो दहशतगर्दी की दफात थी उसको अट्रैक्ट रहना चाहिए था, उसको लागू रहना चाहिए था, उसको खत्म नहीं करना चाहिए था, जो कि जज इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने खत्म कर दिया है। बाकायदा तौर पर इजाजत जैसे ही मिलेगी उसके बाद हाई कोर्ट में ये अपील जो है वो दायर की जाएगी और उसके बाद फैसला सामने आएगा कि आया अपील दायर की जाएगी। बहुत शुक्रिया महार इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।